जय कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, योक नेक वाली जो मेरी ब्लेयर जैकेट, यानी कि ये फ्रंट बैक रेडी एक साथ में होता है। तो गले से स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट है, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। और चलिए इसे हम जो है इसी स्टेप में बना लेते हैं। 15 साल से लेकर 21 तक की गर्ल्स इस नाप को वियर कर सकती है, बहुत ही इजी स्टाइल में। सिंपल नीडिंग मशीन का सबसे बेस्ट पैटर्न है ये। तो चलिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। यदि इसमें आप 1 ईयर से अधिक नाप लेना चाहते हैं, अलग अलग गर्ल्स वीमेंस के लिए, सभी के लिए बनती है, तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है, ठीक है, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो योक नेक वाली ब्लेरो जैकेट कैसे लगी, तो लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आ जाइए। आज हम योक नेक से जो है ब्लेरो जैकेट बनाते हैं। इजी सा पैटर्न है, तो टोटल फंदे मैंने इसमें 40 लगाए हुए हैं। टक बटन का ब्यूटीफुल पैटर्न है, ठीक है, यानी कि सिंपल नीटिंग वाली चीज के लिए ये जो है बहुत इजी सा पैटर्न। यदि आपको एक पैटर्न आता है तो आपको बेनिफिट जो है मोर्स मोर्स होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो करना क्या है, मैंने बटन यहाँ पर इस तरह से कर लेना है। यहाँ पर पहले तो मैंने 2 सिलाइयां ना, हमने पहले जब हैंड से कोई फंदे लगाएंगे तब हमने जो है फंदे बाहर की ओर करने होते हैं, है ना। अब देखिए इस तरह से, अब हमने जो है हर 2 रो में जो है हमने इस तरह से 2-2 फंदों को बैक में कट्टे पे जाना, लास्ट तक जाना है आपने, ठीक है। इसी का पैटर्न है ये, ठीक है। इस तरह से कट्टे पे जाइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप क्लियर करूँगी कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। ये एक बारी में ही रेडी होने वाला प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट तक मैं आ गई थी। पहले मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ से बैक करते हुए गई, अब मेरे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से जो है मेरा फ्रंट में आते जाएंगे। अब ये भी मैंने क्या करना है, यहाँ तक लाना है 2-2 फंदे, ठीक है, इस तरह से सभी जो है हमने लास्ट तक जाना है, यहाँ तक आना है हमने इस तरह से। मैंने जो है सभी जो है लास्ट तक ला लिए थे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर कुछ रो प्लेन देनी है। तो चलिए मैं आपको वीडियो के बीच में क्लियर करती हूँ कितनी रो देनी है। मैंने जो है टोटल रो जितनी ली है यहाँ पर 90 ली हुई है, ठीक है। अब आ जाइए, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले हमने यहाँ पर बैक किए थे, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर फ्रंट किए थे, है ना। अब मैंने यहाँ पर देखिए दोबारा से यहाँ पर इसे 2 करके निकालना है बटन, ये इस तरह से करना है। तो चलिए पहले हम इस तरह से कर लेते हैं, नाप तक ले जाना है हमें, आगे किए थे लास्ट में आ गई हूँ, अब बैक जाना है। इसी तरह से यहाँ पर हम इधर लाएंगे, ठीक है, यहाँ पर सभी बैक करने के बाद मैंने जो यहाँ पर 60 यहाँ पर मैंने रो ली है, ठीक है। और दोबारा से अब मैंने यहाँ पर फ्रंट करना है ना, फिर दोबारा से हमने यहाँ पर इधर तक आना है, फिर ये हमारे फिर बैक होंगे, और उसके बाद फिर हमारी हमने 90 रो ली थी, फिर प्लान 90 रो, है ना। तो अभी आपने लास्ट तक जाइए, फिर आप इधर तक आइए, फिर 90 रो प्लान लेनी है। तो चलिए इस तरह से करते हुए जाएंगे, बहुत इजी सा पैटर्न है, आप स्क्रिप नहीं करना, ठीक है, स्क्रिप करोगे तो ये पैटर्न बिल्कुल नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए 90 रो लेने के बाद सभी फंदे हमने आगे की ओर कर लेने हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, 2-2 करके हमारी ये बैक जाएंगी, ठीक है, लास्ट तक, और लास्ट में 2-2 करके फ्रंट में आएगी। इसी तरह से ये हमारा ब्यूटीफुल पैटर्न जो है कंप्लीट होगा, और सभी फंदों को हम फिर जो है लेस करेंगे।
ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, फ्रेंड्स देखिए इसमें फ्रंट आर्म्स एंड बैक एक साथ बनकर रेडी हुई है। तो मैंने यहाँ पर बाजू के लिए जो मैंने 90 रोल ली थी ना उसके ही फंदे उठाने हैं। देखिए ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर आपका पता लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला तो फ्रंट रहेगा। तो हमने करना क्या है मैं आपको दिखा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से 80 फंदे लेने हैं, ठीक है, और 80 ही रो लेनी है हमने जीरो को देखते हुए। प्लान प्लान करना है क्योंकि मैंने इसमें जो है क्रोशिया करना है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं घटाने का तरीका आपको बताऊंगी। देखिए इस तरह से 4, 5, ठीक है ना, इस तरह से। फिर अगेन इस तरह 2 या 3 कर लीजिए। फिर यहाँ पर ये लॉक इसके खुली होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमें यहाँ क्रोशिया ही करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमारी बाजू दोनों कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर जो है बैक फंदे उठाने हैं बैक पल्ले के। तो चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से रेडी करेंगे मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बैक में टोटल फंदे 90 ले लिए, ठीक है, और जो रो होती है इसकी आपने 80 लेनी है, ठीक है, ये इसके इक्वल्स में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस तरह से बना लीजिए सिंपल वे में। फ्रेंड्स यहाँ पर इक्वल्स में आ गई हूँ मैं, देखिए ना, और ये वाला पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड स्टिच हो जाएगा। और सर मैं इसमें क्लियर कर रही हूँ कि ये मैं यहाँ पर क्रोशिया में कर रही हूँ ना, इसलिए मैं लेस कर रही हूँ। यदि आप बॉर्डर चाहते हैं तो बॉर्डर में फिनिश कर सकते हैं, और बाजू में भी बाजू की लेंथ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ना वीमेंस के लिए बहुत अच्छा ब्लाउज बनकर रेडी होता है, योक ब्लाउज बोलते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो के पैटर्न को आपने जो है लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है।